पुनपुन घाट पर 1 महीने तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय खरमास मेले का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इस मेले के उद्घाटनकर्ता माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक समारोह में अनुपस्थित रहे। पर्यटकों की संख्या भी नगण्य रही। समारोह में स्थानीय लोगों के अलावा स्कूली बच्चे ही ज्यादा नजर आए। प्रशासन की ओर से पर्यटकों के नहीं आने की भी पुष्टि की गई। तो नहीं आए हैं, 1 मिनट, अभी नहीं आए हैं, लेकिन जब आएंगे तो हम लोग उनके लिए भी काफी व्यवस्था है यहाँ। वही पंडा समाज के अध्यक्ष का झूठा दावा तो सुनिए। जी, कल भी 3 बस आए थे, आज भी एक छोटी गाड़ी से आए थे, और फिर कल सुबह हमारे पास जो अभी तक न्यूज है कि 3 बस फिर कल आने वाली है। पर्यटक भले ही इस खरमास मेले में नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं को लेकर की जाने वाली तैयारियों का पूरा दावा किया जा रहा है। ये मेला 1 महीने का होता है, इसमें हम लोगों ने व्यवस्था बहुत कुछ अच्छा कर रखा है। इसमें चेंजिंग रूम बना हुआ है, सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस दंडाधिकारी हैं जो श्रद्धालुओं का देखभाल के लिए हमेशा तटबंध रहेंगे। और हम लोगों ने कंट्रोल रूम बना रखा है, किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत होगा किसी भी समय 24 घंटे वो कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। कोई भी आके उस कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। एक शिकायत पंजी भी हम लोगों ने उसमें रखवाए हैं कंट्रोल रूम में, किसी को भी शिकायत होगी उसमें दर्ज कर देंगे, तुरंत इसका हम लोग ससमय निपटारा भी कर देंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ कुछ श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने ठहरने के लिए, वैसे हमारा एक पुराना ये है, क्या कहते हैं उसको, धर्मशाला है, जिसमें हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। वहाँ रहने के लिए तोशक है, तकिया है, ठंड को देखते हुए हम लोगों ने कंबल की भी व्यवस्था कर रखी है। पुनपुन में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले को लेकर रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रेलवे की तरफ से मैंने इसके पहले तो 15 दिन का जो मेला लगता था उसमें गाड़ी रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन इस खरमास मेला में ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की कोई व्यवस्था रुकने का नहीं है।